नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल विद योर फैमिलीज। वंस अगेन आई विश टू वेलकम ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स तथा फैमिली पेंशनर्स ऑन ओनली वन एंड वन ट्रस्टेबल चैनल सैनिक वेलफेयर न्यूज़कास्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम जानेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी एक नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। इससे पहले वी विश टू यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल बटन विद अ क्लिक ऑल नोटिफिकेशन बटन, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ओआरओपी की लड़ाई अब खत्म हो चुकी है और फैसला आपके फेवर में है। हकीकत में क्या आपको मिलेगा ये तो 3 महीने में पता चलेगा, तब तक आप लोग सिर्फ गणना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। ओरिजिनल ओआरओपी जो 2015 में दी थी, उसका नोटिफिकेशन दिया था, मैं उसको आपको पहले दिखाना चाहूँगा, उसके बाद इसके निर्णय के बारे में कंक्लूजन करेंगे हम, उसके बाद मैं आपको पूरा जजमेंट बताऊंगा और कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग भी मैं आपके लिए लाया हूं, उन सब का एनालिसिस हम करेंगे कि वास्तविक तौर पे हमें मिला क्या है। आपकी स्क्रीन पे जो नैरेटिव नज़र आ रहा है, ये 7 नवंबर 2015 का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा ओआरओपी के संदर्भ में निकाला गया था और इसको एड्रेस किया था द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। इसका मतलब था कि ये ओआरओपी तीनों सशस्त्र बलों के लिए थी। सब्जेक्ट में क्लियर लिखा है वन रैंक वन पेंशन टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, और इस पूरे लेटर को आप थोरोली पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, उस पर मैं आपका तवज्जो चाहूँगा। आप देख सकते हैं पैरा नंबर 3, सेलियंट फीचर्स ऑफ द ओआरओपी आर एज फॉलोज। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके पैरा 51 में इस लेटर का जिक्र है। ये लेटर का पैरा नंबर 3 का और पैरा 5 का जिक्र वहाँ किया गया है। पैरा 5 आप देख सकते हैं, इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर। और अब 5 साल सफर करने के बाद सारे पेंशनर्स को ओआरओपी के नाम पर इस लेटर का पैरा 3 का और पैरा 5 ही मिला है। और देखने वाली बात यह है कि 3 महीने बाद वो हकीकत में वो किस लेवल पर मिलेगा, ये तो उस दिन पता चलेगा। तो ये तो था वो लेटर जो कि आपकी ओआरओपी ओरिजिनल ओआरओपी को रिवाइज करने वाला है, जो कि 2015 में निकाला गया था। अब कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टैंप लगा के ये कह दिया है कि भाई इसको जल्दी किया जाए, 3 महीने का टाइम दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाला गया 64 पेजेस का रिपोर्टेबल जजमेंट है। रिपोर्टेबल का मतलब होता है समाचार योग्य। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया सिविल ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात यहाँ की गई है। रिट पिटीशन सिविल नंबर 419 और हमारा जो केस नंबर था आपको पता है 12918 था। ये जजमेंट के 64 पेजेज हैं। इसका पहला पेज मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड जस्टिस जो थे इस पीठ के मुख्य जस्टिस जो थे, ये उनकी तरफ से है। दिस जजमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शंस टू द फैसिलिटेट एनालिसिस। आपकी सुविधा के लिए इस जजमेंट को इन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है फैक्टल बैकग्राउंड। फैक्टल बैकग्राउंड का मतलब होता है कथात्मक तथ्य। सबमिशन ऑफ काउंसिल, तो काउंसिल की तरफ से क्या कुछ दिया है वो है। पूरा केस का एनालिसिस पैरा सी में है। एंड कॉन्सेप्ट एंड ऑफ जेनेसिस ऑफ ओआरओपी, यानी कि ओआरओपी का कॉन्सेप्ट क्या था, उत्पत्ति क्या थी, वो यहाँ बताया गया है। प्ली ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वाली बात जो है वो यहाँ पे की गई है। एसीपी एंड एमएसीपी की बात यहाँ पे की गई है। 6 CPC एंड 7 CPC, एसीपी फॉर 6 CPC, एमएसीपी फॉर द 7 CPC। इसके बाद में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो यहाँ पे बताए गए, यानी कि क्या कुछ पैसे का भार पड़ने वाला है। एवरेज और मैक्सिमम, पूरे केस का मैक्सिमम एवरेज निचोड़ यहाँ पर रखा गया है। और लास्ट है 2.4 में पेरियोडिक रिवीजन एवरी 5 ईयर्स। ये पेरियोडिक रिवीजन एवरी 5 ईयर्स के लिए मैं लेटर 2015 का दिखा चुका हूँ, वहाँ पैरा 3 के ऊपर पैरा 5 में लिखा हुआ है रिफिक्स्ड इन एवरी 5 ईयर्स, दैट इज मेंशन आल्सो हियर। बट मैंने उस मैटर को आपके लिए हिंदी में कन्वर्ट किया है। चलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरी प्रेजेंटेशन है। वन रैंक वन पेंशन जजमेंट डिक्लेयर्ड हो चुका है। इस तस्वीर को देख के काफ़ी ऐसा महसूस हो रहा है कि वन रैंक वन पेंशन के जो दिग्गज हैं वो खुश हैं। अब ये अंदरूनी है या सिर्फ दिखावटी है ये आप सब जानते हैं। सबसे पहले तो ये कटिंग देखिए आप, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। एससी टू रूल ऑन वन रैंक वन पेंशन टुडे। टुडे का मतलब 16 मार्च। इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टी से पिटिशनर। एससी ने अपना निर्णय 16 तारीख को सुना दिया।
पिटिशनरों ने यह कहा कि जो इम्प्लीमेंटेशन थी सही तरह से इसको लागू नहीं किया गया था। ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है आपके केस। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2015 की अपनी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा रक्षा बलों में ओआरओपी योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा हमें ओआरओपी के सिद्धांत में कोई संवैधानिक कमी नजर नहीं आती। ठीक है, ओआरओपी सरकार के नीतिगत निर्णय है और यह अदालत के लिए नीतिगत मामलों के निर्णय में जाने के लिए नहीं है, एससी ने कहा। इसके अलावा एससी ने निर्देश दिया कि ओआरओपी के लंबित पुनर्निर्धारण अभ्यास को 1 जुलाई 2019 से किया जाना चाहिए और 3 महीने में बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें नया कुछ भी नहीं है। 2015 का जो लेटर है उसमें भी यही लिखा है कि हर 5 साल में आपका ओआरओपी रिविजन होगा। ओआरओपी का रिविजन ही आपको मिलने वाला है। आपको विद इन 3 मंथ देने का आदेश गवर्नमेंट को दे दिया है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो 3 मंथ में देगी या नहीं। वैसे तो कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो एक रूलिंग होते हैं, वो एक नियम होते हैं, वो एक कानून होते हैं अपने आप में, और वो इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट की मजबूरी है और करने ही पड़ते हैं। इसमें नीति के बारे में बताया है और बताया कि 5 साल की जो अवधि है रिफिक्सेशन के लिए वो उचित है। ठीक है, उसके बाद अब ओआरओपी पर कटाक्ष किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या कटाक्ष किया वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि वन रैंक वन पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने जताई निराशा। सुरजेवाला बोले बीजेपी ने पूर्व सैनिकों के साथ विश्वासघात किया है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर पूर्व सैनिकों के साथ विश्वास करने का आरोप लगाया है। पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 30 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों के लिए त्रासदी का पहाड़ टूट गया है। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्टियों में कितना मतभेद है। तो दोनों पार्टियों के बीच में जो लॉस है वो सिर्फ एक्स सर्विसमैन यानी कि सोल्जर्स का। जजमेंट का सबसे मुख्य निचोड़ जो वो ये है, इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन डेट 7 नवंबर 2015 द बेनिफिट्स ऑफ द ओआरओपी वाज टू बी अफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2014 पैरा 3-5 ऑफ द कम्युनिकेशन स्टेट दैट इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रिफिक्स्ड एवरी 5 ईयर। आपको इनसे संबंधित कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल। और आगे लिखा है सच एन एक्सरसाइज हैज रिमाइंड टू बी कैरिड आउट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ORP जो रिविजन है वो होना चाहिए तो उनको वो करना चाहिए। इस बात से जरूर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्री नहीं है, डिसएग्री है गवर्नमेंट से। बाकी गवर्नमेंट के हर पहलू से सुप्रीम कोर्ट एग्री है। और इसमें लास्ट का ये वी अकॉर्डिंगली ऑर्डर एंड डायरेक्ट द दैट इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन डेटेड 7 नवंबर 2015 रीफिक्सेशन एक्सरसाइज सेल बी कैरिड आउट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द 5 ईयर एरियस पेबल टू ऑल एज पेंशन और आर्म फोर्स सेल बी कमिटेड एंड पेड ओवर अकॉर्डिंगली विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। तदनुसार आदेश देते हैं और निर्देश देते हैं कि संचार दिनांक यानी कि नोटिफिकेशन दिनांक 7 नवंबर 2015 के अनुसार 5 साल की समाप्ति पर 1 जुलाई 2019 से एक पुनर्निर्धारण अभ्यास किया जाएगा यानी कि दोबारा से रिफिक्सेशन किया जाएगा। सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशनभोगियों को, फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स जो भी इसके एलिजिबल हैं उन सबको इसका बकाया गणना की तारीख के अनुसार किया जाए और 3 महीने के अंदर इसका भुगतान किया जाए। आप देख लीजिए आपको मिला क्या। आपको सिर्फ ये मिला है कि 1 जुलाई 2019 से आपकी जो पेंशन है वो आरओपी जो आपको मिल रही है वो आरओपी का रिवीजन होगा और 3 महीने में उसका जितना भी एरियर है और जो भुगतान है वो आपको कर दिया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये तो आपको मिला है। 6 साल केस लड़ने के बाद यदि सिर्फ ORP का रिवीजन हाथ आया तो कोई मतलब नहीं रहा इस केस का। हमारे सोल्जर्स ने, हमारे एक्स सर्विसमैन वेटरन्स ने 2400 से ज़्यादा दिन जंतर मंतर पर एक्सट्रैक्स करी हैं, साइलेंट एक्सट्रैक्स। उनका जो फल है वो ये है कि अब आपको 3 महीने में आपका ORP का रिवीजन मिलेगा विद एरियर और आप सबको उसके लिए खुश होना चाहिए। तो दोस्तों ये वो पैरा हैं जजमेंट के 50 और 51 जिनमें आपके लिए आपके वेलफेयर के पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब्ड हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब मैं लास्टली इस पूरे वीडियो को कंक्लूड कर देता हूँ। ORP का जो कॉन्सेप्ट है अब वो बंद हो चुका है। ORP ओरिजिनल कुछ नहीं है, ORP सिर्फ एक ही है। ORP 2 जरूर है जो कि ORP का रिवीजन है जो 1 जुलाई 2019 से मिलना था और वो अब 1 जुलाई 2019 से ही मिलेगा। आपके इस पूरे 6 साल के केस का ये एक बेनिफिट हुआ है कि आपके ORP का जो रिवीजन है वो आपको मिल जाएगा और वो विद एरियर मिलेगा और जो भी फैमिली पेंशनर पेंशनर्स के लिए एलिजिबल है उन सबको ये पैसा विद इन 3 मंथ मिल जाएगा। ऐसा कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश ही नियम होता है, कोर्ट का आदेश ही कानून होता है।
तो आपको अब कोर्ट की इस आदेश पर रिले करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि आपको अब 3 महीने में आपकी पेंशन, बड़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, इसके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट।